सभी को यहाँ पे ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे आईओटी के द्वारा आज आपको ये बताने वाला हूँ कि सबसे लेटेस्ट ट्रेंड जो दुनिया में चल रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये क्या चीज है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, थिंग्स है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, थिंग्स है। और थिंग्स का मतलब ध्यान रखिएगा, थिंग्स का मतलब वो एलिमेंट, थिंग्स का मतलब ध्यान रखिएगा यहाँ पे वो एलिमेंट है जिसमें चार प्रॉपर्टी होती है। पहला प्रॉपर्टी, ये एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट होगा, ठीक है। दूसरे प्रॉपर्टी, इसमें एक पास क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, इसके पास क्या होंगे, सेंसर्स होंगे, ठीक है। और चौथी प्रॉपर्टी, ये क्या करेगा, ये कनेक्टिविटी के साथ काम करेगा। तो आईओटी में आपको ध्यान रखना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में थिंग्स का मतलब ध्यान रखिएगा यहाँ पे वो एलिमेंट है जिस एलिमेंट के पास ये चार प्रॉपर्टी होती है। चार प्रॉपर्टी मतलब वो एलिमेंट क्या है, पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा। फर्स्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा, जैसे आपके मोबाइल फोन आईओटी में जा रहा है। दूसरा, उसके पास सॉफ्टवेयर है, मोबाइल के पास सॉफ्टवेयर है एंड्रॉइड। तीसरा क्या, उसके पास सेंसर है, वो सेंस कर सकता है। और चौथा क्या है, कनेक्टिविटी है उसकी, वो इंटरनेट को क्या करता है, यूज करता है। और इंटरनेट को यूज करता है इस कारण से आपको कहीं भी ट्रैक कर सकता है वो, ठीक है। तो ये चारों चीजें क्या होती है, ये चारों चीजें होती है आईओटी। और आईओटी को बनाने का मेन मोटिव क्या था, एक ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित करना जिस टेक्नोलॉजी में बिना इंसानों के मशीन क्या कर सके, रीड कर सके कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि वर्तमान समय में ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स कर रहे हैं वो है ट्रैकिंग। आज की दुनिया ध्यान रखना ट्रैकिंग के सिद्धांत में चलती है। आज की दुनिया क्या करते हैं, आपको ट्रैक करने के पीछे पड़े हुए, ठीक है। इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण आप लोग देखते हैं कि आप यूट्यूब में जो सर्च करते हो आप ट्रैक हो जाते हो। आप जहां जाते हो आपको एक मैसेज आ जाता है कि आप यहां गए कैसा लगा आपको, ठीक है। आप कोई भी चीज खाते हो तो आपको वहां भी क्या होता है, ट्रैक कर दिया जाता है। कोई गाना सुनते हो, किसी पर्टिकुलर स्टार को फॉलो करते हो, वो भी क्या हो रहा है, ट्रैक हो रहा है। तो वर्तमान दुनिया जो 2000 का शताब्दी में ध्यान रखिएगा ट्रैकिंग की दुनिया है। इसमें लोगों को क्या किया जा रहा है, ट्रैक किया जा रहा है। और आज की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा तेज हो गई है कि आज गाड़ियों को भी ट्रैक किया जा रहा है। आपके ध्यान रखना कि आप जीपीएस लगा दिया गया गाड़ियों में, आज ट्रेनों में जीपीएस लगा दिया गया, आज एयरप्लेन्स में जीपीएस लगा दिया गया। आपकी जो टू व्हीलर फोर व्हीलर आप चला दो, टू व्हीलर फोर व्हीलर में आज का चालान सीधा ऑनलाइन आपके पास आता है। उसका कारण भी क्या, मतलब वो भी क्या हो रहे हैं, ट्रैक हो रहे हैं, हर चीज ट्रैक हो रही है। आज यहाँ तक जानवरों को भी ट्रैक कर दिया गया। आप गाय के कानों में देखते हो एक स्ट्रिप लगा दी जाती है, उसको भी ट्रैक किया जाता है कि गाय कहाँ जा रही है। यानी इंसान पीछे पीछे आजकल नहीं जाता, आजकल टेक्नोलॉजी पीछे पीछे आपके जा रही है। पहले के जमाने में हम टेक्नोलॉजी के पीछे जाते थे, टेक्नोलॉजी हमारे पीछे है। तो आईओटी में ध्यान रखना ऐसे डिवाइसेस को बनाया गया जिनमें ट्रैकिंग कैपेसिटी डाली गई, और ट्रैकिंग कैपेसिटी मतलब वो आपको क्या कर सके, ट्रैक कर सके। और इससे फायदा क्या हो रहा है, आप एक जगह बैठे बैठे देख सकते हो कौन कहां जा रहा है, ठीक है। शीघ्र ही ध्यान रखना ऐसे सिस्टम्स भी आ रहे हैं जिसमें माँ बाप अपने बच्चों को ट्रैक करवाएंगे, ऐसे सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो रहे हैं और जल्दी आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। बस अब आपको पीछे पीछे दिक्कत नहीं है, पापा जी शॉप में बैठे हुए, माता जी घर में, दोनों को पता हमने बच्चा पालन कहा बाली का। आई कार्ड में भी ट्रैकिंग सिस्टम डाले आ रहे, सेंसर्स डाले आ रहे, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखेंगे आईओटी एक ऐसा फिजिकल थिंग का नेटवर्क है। एक बार डेफिनेशन एक बार दे रहा हूँ, आईओटी इज ए सिस्टम ऑफ इज ए नेटवर्क ऑफ फिजिकल थिंग्स। आईओटी एक फिजिकल थिंग्स का नेटवर्क है। आईओटी इज ए नेटवर्क ऑफ फिजिकल थिंग्स जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर सेंसर और कनेक्टिविटी होते हैं, विच कंटेन्स इलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवेयर सेंसर्स एंड कनेक्टिविटी। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर सेंसर्स और कनेक्टिविटी होते हैं, विच कंटेन्स इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर सेंसर्स एंड कनेक्टिविटी। इसमें निम्नलिखित मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर सेंसर्स एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी, इसमें निम्नलिखित फीचर्स होते हैं। मैं कुछ फीचर्स आपको बता दे रहा हूं, इसमें निम्नलिखित फीचर्स होते हैं। पहला दिखेगा, या बिना ह्यूमन के कार्य कर सकते हैं, इट कैन वर्क विदाउट ह्यूमन फीचर्स, ह्यूमन लेस है, या बिना ह्यूमन के कार्य कर सकते, इट कैन वर्क विदाउट ह्यूमन। आपका मोबाइल आपसे बिना पूछे आपको ट्रैक कर लेता है, आपसे कब पूछा। नंबर दूसरा लिखिएगा, या एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, इट इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। सेकेंड आपको ध्यान रखना कि खुद में क्या है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है।
नंबर तीसरा, यह किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा डेटा को कलेक्ट करता है, इट कलेक्ट्स डेटा थ्रू अ टेक्नोलॉजी, यह किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा डेटा को कलेक्ट करता है, कलेक्ट्स डेटा थ्रू अ टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपको ध्यान रखना कि आईओटी में जितने भी डिवाइस या थिंग्स हम यूज कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के द्वारा डेटा को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे आज आपके मोबाइल में एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी से डेटा कनेक्ट हो रहा है, हो रहा है, भविष्य में हो सकता है कि टेक्नोलॉजी बदल जाए, पर कोई तो टेक्नोलॉजी रहेगी जिससे डेटा कलेक्ट होगा। नंबर चौथा, यह डेटा को नेटवर्क में ट्रांसफर करने की क्षमता रखते हैं, यह डेटा को नेटवर्क में ट्रांसफर करने की क्षमता रखते हैं, इट हैज द कैपेसिटी टू ट्रांसफर डेटा इन नेटवर्क, यह नेटवर्क में डेटा को ट्रांसफर करने की कैपेसिटी रखते हैं, इट हैज द कैपेसिटी टू ट्रांसफर डेटा इन नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहां पे ध्यान रखना है कि आईओटी करता क्या है, नेटवर्क में डेटा को ट्रांसफर करने की क्षमता रखता है, आपके द्वारा आपके लोकेशन को ट्रेस करने के बाद सबको पता चल जाता है कि आप कहां पे हो। उदाहरण के तौर पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यूट्यूब में मान लीजिए आपने अगर किसी किशोरदा के गाने सुने, किशोरदा के गाने सुनने के बाद यहाँ पे सेंसर ने क्या सेंस किया, किशोरदा के गाने आप सुन रहे हो, सेंसर सेंस करने के बाद क्या करता है, सबको पता देता है, जितने भी आज सोशल मीडिया सबको बता देता है कि इसको किशोर कुमार पसंद है, तो उसने कनेक्टिविटी से क्या किया, पूरी दुनिया को क्या कर दिया, बता दिया कि उसको किशोर कुमार पसंद है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, आईओटी के डिवाइसेस में रहता। पांचवा लिखिएगा, यह अन्य डिवाइसेस में भी डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, फिफ्थ पॉइंट, इट कैन ट्रांसफर डेटा टू एनी अदर डिवाइसेस, यह अन्य डिवाइसेस में भी डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, इट कैन ट्रांसफर डेटा टू एनी अदर डिवाइसेस, डेटा टू एनी अदर डिवाइसेस, ठीक है। और आईओटी के बारे में मैं आपको अच्छे बता दे रहा हूं कि ये क्या करता है, अन्य डिवाइसेस को भी डेटा ट्रांसफर करता है, कर सकता है, बिना पूछे आपसे डेटा जा सकते कहीं भी। और ध्यान रखिएगा, आप जब कोई भी ऐप इंस्टॉल कर दो, वो कहता है ना कि आपके फोटो यूज कर सकते हैं, आपकी वीडियो यूज कर सकता है, आपके कॉन्टेंट यूज कर सकते हैं, ये क्यों टिक करा लिए जाते हैं, आपसे बिना पूछे डेटा ट्रांसफर हो रहा है। आपने टिक कर दिया ना कि फोटो आप यूज कर सकते हो, आपके सारे फोटो बढ़ सकते हैं, आपने खुद उसमें टिक किया, ऐप डाउनलोड इंस्टॉल करते समय आप वीडियो में यस कर देते हो, आप अपने कॉन्टेक्ट में यस कर देते हो, तो आपका सारा डेटा यू तो आपके मोबाइल में, लेकिन वो मोबाइल डेटा कोई भी क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। नहीं, बैन करने का मेन कारण तो उसमें समय बर्बाद इंसान ज्यादा करता है। नहीं सर, बट मैंने कहीं पढ़ा था कि वो सॉफ्टवेयर को चुरा भी रहते हैं काफी। देखो मैं आपको एक चीज पहले बता दे रहा हूँ, बैन होने के एक भी बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है, तो ये कारण मैं कभी आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आईओटी 1999 में मिला और इनके फादर का नाम है केविन एश्टन। ये भी चीज है। अब यहाँ पे इनके फादर का नाम लिखिएगा, फादर इनके जो है वो केविन एश्टन है, 1999 में उन्होंने टेक्नोलॉजी लाई थी, यानी आज से कितने साल पहले, आज से 22 साल पहले की टेक्नोलॉजी आईओटी। जबलपुर में अभी हाल ही में आईओटी का बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन 22 साल पहले टेक्नोलॉजी आ चुकी है, यानी हम लोग 22 साल पीछे चल रहे हैं। अगर आप ये भी ध्यान दें तो कई टेक्नोलॉजी आज तक हम लोग को पता नहीं चली, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब चीजें लेट आती हुआ, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट क्लास में आपको ये बताया कि आईओटी में थिंग्स क्या है, क्या प्रोसेस होते हैं, किसने बनाया, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा।